हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल यादव एजुकेशन। भाई आज हम बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसमें आपकी तीन चीज़ें रहेगी, एक तो बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स, एक आपका प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, एक एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो बायोलॉजी से रिलेटेड है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, ये आपकी 6-7 इंपॉर्टेंट बुक्स है तो आपको इनको पता होना चाहिए कि ऑथर कौन है और ये बुक्स किस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपकी एक बुक होती है स्पीसीज प्लेटेनियम, स्पीसीज ठीक है भाई, प्लांटेरियम, स्पीसीज प्लांटेरियम। तो ये बुक है, एक आप पूछ रहे हैं किसकी बुक है, तो ये आपकी है कार्लोस लिनिसियस। ठीक है भाई, कार्लोस लिनियस कह दीजिए या लिनिसियस, उनकी ये बुक है। अब ये जो बुक है जो आपकी स्पीसीज प्लांटरम, ये आपके प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है भाई, और जो आपके कार्लोस लिनिशियस हैं इन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, तो इनको एक आप कह दीजिए सोब्रिक्यूट है इनकी, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता है क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी एक साइंस है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, क्लासिफिकेशन का, चाहे वो आपका प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो। ठीक है भाई, या आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हो, तो वो क्लासिफिकेशन की स्टडी होती है ना, चाहे किसी प्रकार का क्लासिफिकेशन, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो जो कार्लोस लिनिशियस है इन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा है, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी स्पीसीज प्लांटरम, एक बुक और लिखी थी इन्होंने, एक तो ये थी इनकी वेरी फेमस बुक, एक और थी उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ, उसका नाम था सिस्टम ए नेचर, सिस्टम ए नेचर। ठीक है, तो कार्लोस लिनिशियस की दो बुक फेमस कौन सी, स्पीसीज प्लांटरम और सिस्टम ए नेचर। ठीक है, और इनके बारे में एक और पूछ लेते हैं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नंबर दो पे चलिए, एक आपने बुक का नाम सुना होगा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स, ये एक बुक है भाई, काफ़ी बहुत फेमस बुक है बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स, एग्जाम में डायरेक्ट आता, बताओ इस पुस्तक के लेखक कौन है या ये पुस्तक किसने लिखी, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो बुक थी आपकी ये लिखी थी जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, पूरा नाम है इनका ये जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। तो जो लेमार्क जी है, जनरली आप लेमार्क नाम से याद रखते हो, तो लेमार्क ने कौन सी बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स, दैट इज वेरी फेमस बुक ऑफ बायोलॉजी। नंबर तीन पे आपकी आती है, आपने सुना होगा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसका एक नाम और भी है, दोनों में से कौन से एक नाम से आती है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कह दीजिए, या इसको आप बोलते हो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दूसरा नाम इसका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो इसके जो आपके राइटर थे किन्होंने लिखी, ये दोनों एक ही बुक है, ये जो आपके लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है भाई, इनका क्या है सी आर डार्विन या चार्ल्स डार्विन आप जिसे कहते हैं, तो उन्होंने ये बुक लिखी। आगे आती है नंबर फोर पे, एक बुक का नाम है जेनिरा प्लांटेरियम, क्या नाम है जेनिरा प्लांटेरियम, वो स्पीसीज प्लांटेरियम थी, ये जेनिरा प्लांटेरियम है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये बुक किसने लिखी थी, ये दो साइंटिस्ट था आपके, एक थे हुकर, उनका नाम था हुकर, एक का नाम था बेंथम, तो हुकर एंड बेंथम, हुकम हुकर एंड बेंथम ने आपकी बुक लिखी थी जेनिरा प्लांटेरियम। एक ऊपर है स्पीसीज प्लांटेरियम, वो आपकी थी कार्लोस लिनिशियस की। एक अगली बुक आती है नंबर पाँच पे, ये आपकी जेनेटिक्स रिलेटेड क्या है, इसका नाम है एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स इन एक्स, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन, क्या नाम है एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। तो जो ये बुक थी बहुत फेमस बुक थी भाई, और साइंटिस्ट भी बहुत फेमस थे। ठीक है, क्या नाम उनका, तो लिखी थी बाय जॉर्ज मेंडल, या जिसे आप मेंडल कहते हो डायरेक्ट, मेंडल थ्योरी या मेंडल, बाय जॉर्ज मेंडल।
तो मेंडल ने ये बुक लिखी थी एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आप मेंडल के बारे में आप बात, मेंडल को क्या कहा जाता है, मेंडल को एक स्पेशल उपाधि दी गई है, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। कई बार एग्जाम में पूछ ले तो इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आप कहेंगे जी आपके ये है जॉर्ज मेंडल या मेंडल, और इन्होंने एक बुक भी लिखी है एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 6 पे आती है इंपॉर्टेंट बुक, नंबर 6 ये आपके हिस्टोरिया प्लांटेरियम। क्या नाम है, हिस्टोरिया। देखो ये प्लांटेरियम सबके पीछे लग रहा है, लेकिन ना जरा नाम देख ली, किसी का आगे हिस्टोरिया है, किसी का आगे जेनेरिया है, किसी का आगे स्पीसीज है, ठीक है भाई। तो सबके अलग अलग राइटर है, आपको राइटर का हिस्टोरिया जो प्लांटेरियम है ये बुक लिखी थी आपको थियोफ्रेटस। क्या नाम है, थियो फ्रेटस, ठीक है भाई। इन्होंने लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरियम, और थियोफ्रेटस के बारे में मैंने बताया था आपको, ही हैज ए ह्यूज नॉलेज अबाउट बॉटनी, सो ही इज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने काफी बॉटनी बारे में बहुत कुछ लिखा भाई थियोफ्रेटस ने, इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी की संज्ञा दी गई, इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। तो नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। और एक लास्ट बचती है भाई 7, ये आपकी है द जर्म थ्योरी। क्या नाम है, द जर्म थ्योरी, द जर्म थ्योरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो इसके राइटर आपको पता होना, जिसके राइटर कौन है, लुईस पाश्चर। मैंने बताया था द जर्म थ्योरी, ये थी आपकी लुईस पाश्चर, ठीक है भाई। क्या नाम है, लुईस पाश्चर। तो ये एक बुक और आती है जनरल इंपोर्टेंट, वो पूछी जा सकती है, क्योंकि द ग्रेट अरस्तू ने उनको लिखा था। उसका नाम था ऑन द पार्ट्स, ऑन द पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स। क्या नाम है, ऑन द पार्ट्स ऑफ द एनिमल, वेरी फेमस बुक बाई वेरी ग्रेट साइंटिस्ट अरस्तू। और अरस्तू जी ने भाई दर्जनों पुस्तकें लिखी, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। उन्होंने पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक लिखी, अलग अलग फील्ड से उन्होंने आपकी पोएट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा अरस्तू ने। तो जो बायोलॉजी के बारे में लिखा उन्होंने लिखा था ऑन द पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स, ये पुस्तक है अरस्तू जी की, अरिस्टॉल, ठीक है। अरस्तू के बारे में आपको पता होगा, इनको दो उपाधि दी गई है आपकी बायोलॉजी के अंदर, इज द फादर ऑफ द, इसको क्या कहा जाता है आपका, इज द फादर ऑफ द जूलॉजी, इसे फादर ऑफ द जूलॉजी भी कहा गया, क्योंकि एनिमल्स के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, ठीक है भाई। और इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द बायोलॉजी, अगर आपसे पूछ ले फादर ऑफ द बायोलॉजी किसे कहने का आ गया, तो ये भी आपके अरस्तू ही थे। और जूलॉजी का नाम आ जाए तो भी आपके अरस्तू ही थे। एक और होती है एम्ब्रायनोलॉजी, उसके भी आपके अरस्तू ही है, ठीक है भाई। अब आगे चलो भाई, अगला आपका रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। जो बुक्स हमने बताई वो आपकी काफी है, इनफ है, उनसे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है। तो जब हम प्लांट्स का डिस्कशन करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप प्लांट्स किन दो दो वर्गों में आप क्लासिफाई करते हो। जनरली प्लांट्स आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब पौधे होते हैं, आप पौधे को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, पौधे या तो भाई एक तो बीज वाले पौधे होते हैं, कुछ बिना बीज वाले पौधे होते हैं। तो सबसे पहले पौधों को हम इन्हीं वे पे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स। तो क्या होता है, एक तो बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स और क्रिप्टो वर्ड, ये आपका क्रिप्टो का मतलब होता है कहीं भी क्रिप्टो लग जाए वहां समझ लीजिए हिडन होता है, कुछ चीज छुपाई जा रही है, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स। और दूसरी तरफ होता है फैनेरोगैम्स, ठीक है, इज दैट क्लियर। क्रिप्टो का वर्ड मतलब होता है हिडन, कोई चीज छुपाई जा रही है आपसे, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम्स कौन से होते हैं, जिनके पास प्लांट्स विच डज नॉट हैव सीड्स, मतलब बिना आपके बीज वाले पौधे, जिन्हें बोलते हैं उनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं ये आपको बताएंगे हम, कैसे होते हैं तब आपको पता चलेगा, हाँ ऐसे पौधे भी होते हैं। और फेनोरस, ये आपको पता है, ये जिनके पास क्या हो, सीड्स के ऊपर जो ग्रो करते हो, ठीक है, उनको बोलते हैं फेनोरस। अब पहले लेते हैं हम क्रिप्टोगैम्स के बारे में, फिर फेनोरस को डिस्कस करेंगे। क्रिप्टोगैम्स को हम कैटेगराइज करते हैं 3 भागों में। क्रिप्टोगैम्स कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होना चाहिए, 3 भागों में इसको भाई हम डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है भाई। तो क्रिप्टोगैम्स कितने होते हैं, 3। सबसे पहला आता है इसमें थैलोफाइटा, भाई नाम इनके थोड़े से, और इनसे रिलेटेड हम वही चीजें बताएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा बताने को इसमें कोई फायदा नहीं, आप इनको इतना ही आप नोट्स बना लीजिए अपने भी, और उसमें आप देखोगे इनके जो इंपॉर्टेंट डेटा है आप वो याद कर लीजिए, उससे ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं है। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और एक होता है पटरियोडोफाइटा, ठीक है, क्योंकि पटीरियोफाइटा, तो ये 3 है आपके,
अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। जो थैलोफाइटा है इनके बारे में तीन चार चीजें इंपोर्टेंट, हम आपको बताते हैं वन बाय वन क्या क्या इंपोर्टेंट इनके बारे में। एक तो जो सबसे ज्यादा प्लांट्स पाए जाते हैं वो इसी कैटेगरी के पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, लार्जेस्ट ऑफ द प्लांट किंगडम, तो आपके सबसे ज्यादा पौधे पाए जाते हैं वो थैलोफाइटा के पाए जाते हैं, ठीक है। प्लांट लार्जेस्ट ऑफ द प्लांट किंगडम, जो प्लांट हैं आपके उनमें सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर वन बात, इनसे रिलेटेड क्या क्या एग्जाम में आते हैं वो बताते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे बड़े हैं और इनमें आपका कंडक्टिव टिश्यू नहीं होता। कंडक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, अभी आपके जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, ये कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, इनमें कोई कंडक्टिव टिश्यू नहीं होता, नो कंडक्टिव टिश्यू, ठीक है। मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, नो कंडक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, यही होता इसका मतलब। अच्छा अब इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, मतलब लिख सकते हो आप एग्जाम्पल जाइलम फ्लोएम नॉट प्रेजेंट, आप ये कह सकते हो जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट प्रेजेंट, ये आप याद रख लीजिए, ये नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, सबसे ज्यादा है तो इनके एग्जाम्पल इसमें आते हैं आपका अल्जाई एंड फंजाई, कौन सी दो दो अटरम आती है इसमें, एग्जाम्पल है थैलोफाइटा कौन, अल्जाई और फंजाई, ठीक है भाई। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या चीज आती है वो पता होना चाहिए आपको। एल्जाई के बारे में जनरली एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछता है वो हम इसको यहाँ सिंक्रोनाइज कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका एल्जाई का आता है, बताओ एल्जाई के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जी एल्जाई के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। एक क्वेश्चन ये आता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो लिख देते हैं सारे यहाँ, एल्जाई का अध्ययन क्या आता है एक क्वेश्चन, दैट इज फाइकोलॉजी, ठीक है। दूसरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली एग्जाम में, आखिर देखो जो आपका ये एल्जाई है ये अलग अलग पर्पज के लिए यूज करते हैं, इसको हम एज ए मैनोर मतलब खाद के रूप में यूज करते हैं, भोजन के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है, रिसर्च वर्क के रूप में भी यूज करते हैं, मेडिसिन में भी यूज करते हैं, ठीक है। एल्जाई का तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एल्जाई आपसे पूछ लेता, बताओ ये एल्जाई आपका किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना भाई। तो जो आपका मैन्योर मतलब खाद के लिए कौन कौन से एल्जाई यूज होती है उनके नाम कई बार एग्जाम में पूछ लेता, बताओ कौन कौन से, तो ये आपकी दो रहती हैं जनरली, नोस्टोक और एनाबीना। नाम क्या है, नोस्टोक और एनाबीना, नोस्टोक एंड एनाबीना, ठीक है, नाम है भाई आपको याद रखने पड़ेंगे, नोस्टोक एंड एनाबीना, ये एज ए मैन्योर मतलब खाद के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। ये कई बार पूछ रख सकते हैं, रिसर्च वर्क में आप कौन सा यूज करते हो, एज ए रिसर्च वर्क, ठीक है। तो रिसर्च वर्क में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कोलेरा एसिड, कोलेरा, कोलेरा एसिटाबुलेरिया, नाम है कोलेरा एसिटाबुलेरिया, एसिटा बुलेरिया, ठीक है भाई, आप नाम जरा देख लीजिए, रिसर्च वर्क कोलेरा एसिटेबुलेरिया, ठीक है। एक और पूछ लेते हैं, अगर अगर होता है एक, अगर अगर ये पूछते हैं एग्जाम में, अगर अगर किससे प्रिपेयर किया जाता है, तो अगर अगर होता है आपको वो एल्जाई से प्रिपेयर किया जाता है, ये भी पता होना चाहिए अगर अगर, ठीक है भाई। तो क्या तीन चार चीजें एल्जाई के बारे में देख लीजिए, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, कौन सी खाद के रूप में यूज होती है, कौन सी रिसर्च में यूज होती है, और अगर अगर किससे प्राप्त होता है, तो आपका अब आओ फंजाई के ऊपर, फंजाई के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फंजाई के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फंजाई के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, इसको बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, थोड़ी आप प्लीज देख लीजिएगा, माइकोलॉजी इसको बोलते हैं, फाइकोलॉजी इसको बोलते हैं माइकोलॉजी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, वो क्या पूछते हैं, जो फंजाई है उसमें जो भोजन होता है किस रूप में जमा होता है, तो भोजन तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन, जो आपका फंजाई के अंदर जो भोजन स्टोर होता है वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। एक इससे रिलेटेड पूछते हैं, जो फंजाई की सेलवाल होती है, फंजाई की सेलवाल वो किसकी बनी होती है, तो जो फंजाई की सेलवाल होती है वो होती है काइटिन, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, फंजाई की सेलवाल किसकी बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है, फूड स्टोर होता है, भोजन स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है भाई। तो ये आपके फंजाई से रिलेटेड थे, ये एल्जाई से, थैलोफाइटिया में आपको ये चीजें पूछी जाती है भाई, थैलोफाइटिया क्या है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, एल्जाई और फंजाई के बारे में, ठीक है। अब आओ ब्राइटोफाइटा पे, अब ब्राइटोफाइटा से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखो वन बाय वन। अब ब्राइटोफाइटा से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपका ब्राइटोफाइटा है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जनरली हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एग्जाम्पल पता होता है, एक मॉस आपने देखा होगा, जो तो मॉस होती है, जो काई बोलते हैं दिशा, वो एक ब्राइटोफाइटा है, ठीक है भाई। अब देखो मॉस के अंदर आप जब मॉस को देखते हो उसमें ना तो कोई ट्रू मतलब जड़ होती, ना तो कोई उसमें जड़ होती, देखते होगा आप, ट्रू नहीं होती, ट्रू जड़ मतलब नहीं तो आप उसको उखाड़ सकते हो, ठीक है, ट्रू स्टेम भी नहीं होता, तो ये आप याद रखिए, इनमें ना तो ट्रू
रूट्स होती, ना ट्रू स्टेम होता, ना लीव्स होती, ये ट्रू नहीं होती। ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये आपकी ट्रू, नो ट्रू स्टेम्स, नो ट्रू रूट्स, नो ट्रू लीव्स, एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है कि जो इसमें वाटर कंडक्शन होता है, जो आपका ये पौधे जो होते हैं ये पानी कैसे लेते हैं, वाटर कंडक्शन। इसमें जो देखो, इसमें भी आपका जो फ्लोएम और आपका जाइलम टिश्यू नहीं होता है। अब देखो, जाइलम फ्लोएम बार बार डिस्कस करें, हम इनके बारे में पता होना चाहिए। देखो, जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, इधर देखो आप, पहले इसके बारे में आप देख लीजिएगा। जाइलम का काम, जाइलम क्या होता है, जो आपके पौधों के अंदर जो आपका वाटर होता है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। पौधे आपका जड़ होती है, पौधे जड़ से क्या करते हैं, आपका रूट्स बोलते हैं जिसे आप, उससे आपका पौधा ओस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। किसके थ्रू? ओस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, ओस्मोसिस होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो पानी ऊपर आता है उसको बोलते हैं ओस्मोसिस। रूट से आपका पौधे लेते हैं ओस्मोसिस के थ्रू पानी, अब वो पानी लास्ट में आपका लीव्स तक जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका बॉडी से होता है, लास्ट में जो लीव्स होती है उसमें लीव्स के थ्रू जाता है। ठीक है, जो पेड़ का आपका स्ट्रक्चर होती है उसके थ्रू जाता है वहां तक, तो वो बोलते हैं आपका जाइलम। जो काम करता है, जो टिश्यू ये काम करता है, उसको बोलते हैं जाइलम। एग्जाम में पूछ रहे थे जाइलम क्या करता है पौधों में, या वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा, था आपने जी जाइलम। ठीक है, एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, जो पौधे आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो भोजन बनाते हैं उसको पौधों के अलग अलग पार्ट तक ले जाए। ठीक है, पौधे जनरली आपके जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाती है। ठीक है, स्ट्रोमेटा और ग्राना, आपने नाम सुना होगा, फोटोसिंथेसिस, जहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है, वहां से आपका फ्लोएम क्या करता है, जो भोजन बनता है उस भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे पेड़ के अंदर। तो फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन, तो अलग अलग चीजें हैं। वाटर का काम करता है जाइलम, और फ्लोएम करता है फूड ट्रांसपोर्ट का काम। पहले तो ये पता होना चाहिए, तो बार बार आ रहा था जाइलम फ्लोएम। अब देखो, जो मॉस होती है, जब ब्राइट जिसे आप ब्राइटोफाइटा बोलते, इनमें ना तो जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है, तो इनमें जो वाटर कंडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो वो आपको होता है पेरेंचाइमा। ये नाम है एक आपका पेरेंचाइमा, ये एक प्रकार का टिश्यू होता है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम की तरह ही, जो आपका किसमें काम करता है, जो आपका जिसमें आपका ट्रू रूट्स ना हो, जिसमें आपका स्टेम ना हो, लीव्स ना हो, उसमें काम करता है, तो इसका नाम है पेरन। ठीक है, क्या नाम है? पेरेंचाइमा। तो पेरेंचाइमा कहाँ, किसमें यूज होता है जनरली, आपका मोस ब्राइटोफाइटा में यूज होता है। तो आप इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, आपका भाई कई बार पूछ लेते हैं, जो आपका ब्राइटोफाइटा में वाटर कंडक्शन किसके थ्रू होता है, तो आप कहेंगे पेरेंचाइमा टिश्यू के थ्रू। इसमें जाइलम और फ्लोएम होता नहीं, क्योंकि कोई ट्रू रूट्स और स्टेम नहीं होती, मोस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, अब आगे देखो जरा, भाई इससे रिलेटेड इतना ही आता है ब्राइटोफाइटा से, तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला आता है पटीरोडोफाइटा। ठीक है, इसमें क्या होता है ये देखिएगा आप, इसके बारे में दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो एग्जाम्पल इसका, ठीक है भाई, एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है फर्न्स, फर्न्स एंड अजोला। ठीक है, अब इनके बारे में जरा देखियो, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई फर्न्स और अजोला किस कैटेगरी में आते, तो आपको जी क्रिप्टोगेम्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्रिप्टोगेम्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, वो क्या पता होनी चाहिए इनके बारे में, कि जो आपका इनके अंदर सीड्स नहीं होते। ठीक है, बिना सीड्स के होते हैं, और जो पटीरियो डोफाइटा है इसके अंतर्गत ये आता, क्या नाम है, फर्न्स एंड अजोला। ठीक, इसमें आपके कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, इसमें आपको जो जाइलम होता है और फाइलम दोनों प्रेजेंट होते हैं, जो आपका जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है वो आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है भाई, तो ये आपके इससे रिलेटेड यही दो चीजें पूछ रहे थे, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ रहे थे फर्न्स और अजोला किस कैटेगरी में आते हैं, और ये पूछ रहे थे इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है या नहीं होता है। ठीक है भाई, ये थोड़े भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़े हार्ड भी पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको सबसे लास्ट में कराए, और आप इसको थोड़ा चार्ट के हिसाब से याद करिए, इससे ज्यादा आपका एग्जाम में आता भी नहीं है। अब आप बात करते हैं फेनोग्राम्स की। अब फेनोग्राम्स क्या होते हैं, पौधे जो जिनके पास आपका सीड्स होते हैं। ठीक है, सीड्स होते हैं तो ये क्या होता है, इनकी क्या क्या क्वालिटी, इसको आप फ्लोवरिंग प्लांट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फ्लोवर्स बीन पौधों के ऊपर आते थे, इनको फ्लोवरिंग प्लांट्स भी बोलते थे। ठीक है भाई, अच्छा इनको आप क्या बोलते सकते हो, सीड्स प्लांट या फ्लोरिंग प्लांट्स, मतलब इनके फूल भी आते हैं। अब इनके बारे में दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, पता क्या क्या होनी चाहिए। एक तो देखो, जब हम बात करें फ्लोवर्स की, तो देखो इससे रिलेटेड एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक सीड होगा एक फ्लोवर हो गया, एग्जाम में पूछता है कि सबसे बड़ा सीड कौन सा है। लार्ज, देखो ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, चार पांच क्वेश्चन लिखता हूँ सारे इंपोर्टेंट, लार्जेस्ट सीड, स्मॉलेस्ट सीड,
सबसे छोटा बीज कौन सा होता है, सबसे बड़ा बीज कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट फ्लोवर, सबसे छोटा फूल कौन सा होता है, किसका होता है, और सबसे बड़ा फूल, ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। लार्जेस्ट फ्लोवर, ठीक है भाई, लार्जेस्ट फ्लोवर सबसे पहला आता है। आप देखिएगा लार्जेस्ट सीड, जो लार्जेस्ट सीड होता है ये आपका होता है लोडोसिया। आप नाम देख लीजिए इनका, किसका होता है, लोडोसिया। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा लार्जेस्ट सीड, तो आपसे एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है भाई, किसका होता है, लोडोसिया का होता है, ऑर्किड का होता है, तो आप कहेंगे जी लोडोसिया का आपका लार्जेस्ट सीड होता है। नंबर एक पहला आप याद रख ली, लार्जेस्ट सीड लोडोसिया। दूसरा स्मॉलेस्ट सीड, ये आपका होता है ऑर्किड का, ऑर्किड, ठीक है भाई। नंबर थर्ड पे आओ, स्मॉलेस्ट फ्लोवर, सॉरी स्मॉलेस्ट फ्लोवर होता है आपका वोल्फिया, WOLFIA, वोल्फिया का आपका स्मॉलेस्ट फ्लोवर होता है। अगला है लार्जेस्ट फ्लोवर, लार्जेस्ट फ्लोवर होता है रेफलिसिया। ये चारों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। आखिर बताइए सबसे छोटा सीड कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट फ्लोवर कौन सा है। ये अब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात ही आ गई, तो एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, वो क्या होती है देखिए जरा। पहले तो इसको थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, फिर वहीं से निकल के आती है वो चीजें। थेनोफरस आपके होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये पता होनी चाहिए दो कौन कौन से होते हैं। इसको बोलते हैं, एक को एंगियोस्पर्म, दूसरे को बोलते हैं जाइमोस्पर्म। मान लो सपोज पहले वाला आपका जाइमोस्पर्म और दूसरा होता है एंगियोस्पर्म। अब इनसे रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए भाई। अब भाई इसके नाम किस बेस पे पड़े, अब कह रहे बीज वाले पौधे तो होते हैं, लेकिन बीज कुछ के कवर्ड होते हैं, कवर्ड मतलब होता है अननेकड होते हैं, ठीक है, मतलब उसको आप उसके ऊपर वो नहीं होती, क्या बोलते उसको, फोल्डर, और किसी के ऊपर होता है। तो जाइमोस्पर्म्स वो होते हैं जिनके अनकवर्ड होते हैं, ठीक है, मतलब नेकड बीज होते, डायरेक्ट देख सकते हो आप अनकवर्ड, ठीक है, अनकवर्ड सीड्स। अच्छा एंगोस्पर्म होते जिनके कवर्ड्स होते हैं, ठीक है, कवर्ड्स होते हैं, कवर्ड सीड्स। तो ये क्लासिफिकेशन उसके आउटर बाउंड्री के ऊपर से, एक कवर्ड है या अनकवर्ड है। अच्छा अब जाइनोस्पर्म के बारे में दो चीजें क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम्पल आपको पता भी हो सकता है। जैसे जाइनोस्पर्म का आपको देवदार का नाम सुना है, देवदार का पेड़ होता है, उसका बीज जाइनोस्पर्म कैटेगरी में आता है। आपने सिक्वा का नाम सुना है, उसका भी इसी कैटेगरी में आता है। अब जरा देखिए, और जो आपका सफेदे का होता है वो आपका एंगियोस्पर्म की कैटेगरी में आता है, इक्लिप्टस बोलते हैं जिसे आप, इक्लिप्टस, ठीक है। अब जरा कुछ क्वेश्चंस देखिए जो इनसे रिलेटेड पूछते हैं एग्जाम में। जाइनोस्पर्म के बारे में क्वेश्चन आता है, आखिर बताओ लॉन्गेस्ट प्लांट कौन सा है, जो आपका जाइनोस्पर्म जिसका अनकवर्ड सीड है। तो जो लॉन्गेस्ट प्लांट है देख लीजिए आपका क्या, लॉन्गेस्ट प्लांट कौन सा बात कर रहे हैं, हम जाइनोस्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होता है, इसका नाम है सिक्वोया जिजेंटा, क्या, ठीक है, एंटिया, सिकोया जिजेंटिया, ये इसका नाम है। इसके अब लंबा है तो कितना लंबा है, ये आपका 120 मीटर लंबा होता है, ठीक है। ये जनरली कनाडा में पाया जाता है, सॉरी कैलिफोर्निया में, सॉरी कैलिफोर्निया में आपका पाया जाता है जनरली, इसलिए इसको रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पूछते हैं स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट जाइमोस्पर्म प्लांट। तो स्मॉलेस्ट आपका आता है जेमियान, नाम देख लीजिएगा, जेमिया, जेमिना, क्या है, जेमिया, अरे जेमिया, ठीक है, पाइगमिया, ये इसका नाम है जेमिया पाइगमिया, ठीक है भाई, क्या नाम है, जेमिया पाइगमिया, जेमिया पाइगमिया इसका नाम है, ठीक है भाई, देख लीजिए इसको। अब ऐसे ही आपका पूछते हैं लार्जेस्ट एंगियोस्पर्म, लार्जेस्ट एंगियोस्पर्म कौन सा है, कौन सा लार्जेस्ट है, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, जनरली इस पोर्शन में से यहीं से उठाते हैं, आपका जो लास्ट वाला था स्मॉलेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर, लॉन्गेस्ट प्लांट, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा होता है। तो आपका पूछ लेते हैं लार्जेस्ट प्लांट, अब कौन सा एंगियोस्पर्म, तो जो एंगियोस्पर्म होता है वो आपका होता है सफेदा, जिसे आप यूकलिप्टस बोलते हैं। तो लार्जेस्ट प्लांट कौन सा होगा, यूकलिप्टस, जिसे आप सफेदा बोलते हो हिंदी में। तो ये आपका एंगियोस्पर्म है, इसके जो कवर्ड सीड्स होते हैं, और लार्जेस्ट की बात आती है आपका अनकवर्ड सीड्स का, तो वो आता है सिक्वोया जिजेंटिया और स्मॉलेस्ट जैमिया पाइगमिया, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये था आपका प्लांट्स का क्लासिफिकेशन था, इससे ज्यादा प्लांट्स में कुछ नहीं आएगा, इसको दो तीन बार देखिए आप, डेफिनेटली याद हो जाएगा। नाम थोड़ी इनके टफ है,
लेकिन इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, ये सारा हमने कंपाइल करके बनाया है, तो मैट्रिक आप यार। अब अगला टॉपिक करते हैं, वो बताएंगे आपका एनिमल्स का क्लासिफिकेशन क्या रहेगा। तो एनिमल्स का भाई अगला करेंगे एनिमल्स। तो अब देखो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन 10-11 तरीके से होता है, आपको क्या करना है भाई, इससे रिलेटेड आपको दो तीन चीज़ याद रखनी है, कौन सी प्लांट किंगडम क्या है और उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, दो तीन। तो आप इसको ना जब हम समझा रहे उस तरीके से याद कीजिए, डेफिनेटली आपको बेटर लगेगा। देखो एनिमल्स की कैटेगरी में सबसे पहले आपका नाम आता है, सबके आगे लगा होगा आपका फाइलम, फाइलम ठीक है। तो सबसे पहले आता फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ सबसे पहले आता, फाइलम प्रोटोजोआ ठीक है। इसके पहली कैटेगरी क्या होती है एनिमल्स की, प्रोटोजोआ। अब इससे रिलेटेड आपको दो तीन चीजें ही पता होनी चाहिए, ज्यादा हर चीज के अंदर इसके दो एक्चुअल में डीप जो अध्ययन करते हैं बायोलॉजी का, वो मतलब बहुत टफ पड़ता है उसमें, आपका जो इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में आते हैं हम वो बताते हैं। सबसे पहले बात आपको पता होनी चाहिए प्रोटोजोआ के बारे में, ये यूनिसेलुलर होते हैं। अब ये यूनिसेलुलर क्या होता है, जिसमें एक ही सेल होती है, तो इनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अरे भाई पुराने होकर कर लेना, और इसको बात ताल बड़ा लाग रो बैठ के, पुराने होकर कर ले बात, और बात बात बोल ले फिर रोक लेने पूछे बड़ा लाग रो। अब मैं यार आ चुप, मां पागल है, और भाई पुराने बैठ के कर ले बात यार, वो कर ला और बैठ कर, एक मैं बैठ के कर ले फिर दो है यार, इतनी आवाज आ रही है एक मैं साफ सुना से ठीक से बड़ा, वो बड़ा लाग पुराने बैठ कर ले, खूब पूछ लेते यार, तू जा भाई पुराने यार शान बड़ा लाग रो, तू पढ़ा ले तो आजा फिर तू बता दे ना, तो पुराने होकर बैठ जाए घणवा उधर है सिर पतड़न नौरकती। तू बहुत बड़ी चीज है जो तुमने सब गेम कर रखो है, अपनी औकात में रहने का दिमाग खराब करने लग रहा। अरे अरे पागल है डाल कर, तू भी भाई प्राणी हो ले, तू भी रहे सब क्यों है ठीक से तू कर ले, ऐसे हो जा बात आ रही है बाद में ना, अभी इतनी और मन कर रहा तू कर यार बामण, तू वाकई में क्रैक सब है, दिमाग खराब करता रहा। बोल बोल लिया यार, थारे से चूतिया हो जाते बोल लिया, नाम इतना बहनचोद का उल्टा सीधा से ऊपर, तो थारी बकचोदी पेपर सब की। भाई जो आपका प्रोटोजोआ होता है, यूनिसेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इनके अंदर आपके एक ही सेल होती है ठीक है। एक तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट ये है, दूसरी एक चीज पता होनी चाहिए आपके, ये दो प्रकार के होते हैं प्रोटोजोआ, एक तो होते हैं फ्री लिविंग, फ्री लिविंग का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं ठीक है, दूसरा होता है आपका पैरासाइट जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं। तो इनके जरा एग्जाम्पल पता होने चाहिए, कौन सा फ्री लिविंग कैटेगरी के अंदर आता है और आपका कौन सा पैरासाइट कैटेगरी के अंदर आता है। जो आपका युगलीना है, इसका नाम है युगलीना, ये आपका फ्री लिविंग कैटेगरी में आता है, और जो अमीबा है जिसे आप अमीबा बोलते हो, इसके ये भी आपका फ्री लिविंग कैटेगरी में आता है। पैरासाइट में आपके जनरली दो आते, एक तो प्लास्मोडियम जो आपका मैंने कल बताया था, जो मलेरिया मच्छर होता है जिसके लिए जो प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है, वो आपका प्लास्मोडियम नाम होता है। दूसरा आपका होता है एंटोमोबिया ठीक है, ये भी आपके एंटोमोबिया। इनको आपको क्या होता है, इनको आपका कोई एक होस्ट चाहिए, उसके ऊपर आपका उनसे भोजन ग्रहण करते हैं ठीक है। तो पैरासाइट को जो दूसरों पे डिपेंड करे ठीक है, और फ्री लिविंग जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब जरा एक बात देखिए, एग्जाम में कई बार पूछ लेते अमीबा है, तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है, तो अमीबा पूछ लेंगे यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर है या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए अमीबा यूनिसेलुलर है और एक फ्री लिविंग कैटेगरी में आता है, एक तो ये इंपॉर्टेंट आता है। दूसरी इसके बारे में पूछते हैं, इसका उत्सर्जन अंग बोलते हैं जिसे एक्सक्रेटरी ऑर्गन, क्या होते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन, ये जनरली आपसे पूछ लेते हैं लगभग हर एनिमल का एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है ठीक है। तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन आपका जो प्रोटोजोआ के अंदर होता है, वो जनरली आपका होता है जो बॉडी सरफेस होता है ठीक है। तो कौन क्या होता है, बॉडी सरफेस से होता है जो आपका एक्सक्रीशन, बॉडी सरफेस होता है जो आपका होता है, किस तरह डिफ्यूजन से होता है, मतलब प्रेशर डिफरेंस ऑफ गैसेस की वजह से आपका इसमें डिफ्यूजन होता है। एक आपके वैक्यूल्स होते हैं कुछ, उनसे भी होता है, मेन आपका बॉडी सरफेस से होता है ठीक है। तो आप याद रखिए, दोनों ही याद रखिए, वैक्यूल्स भी और बॉडी सरफेस से कैसे होता है, बाय डिफ्यूजन ठीक है। तो ये आपका जो प्रोटोजोआ है उससे रिलेटेड आपका ये दो तीन चीजें आप इनको याद रख लीजिए। अगला आपका डिस्कस करते हैं नंबर दो पे, आपका आता है पोरिफेरा। अब जब पोरीफेरा की बात करते हैं, इससे रिलेटेड आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। जो पोरीफेरा है, इसमें एक तो आपका जो जनरली होते कहाँ है, जनरली आपके रॉक्स वगैरह मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, रॉक्स हो गए, मैराइन हो गए, वहां तो ये मिलते हैं आपके पोरीफेरा। कई बार ये पूछ लेते हैं रॉक्स और मैराइन में कौन से मिलते हैं, तो आपके कौन मिलते हैं, पोरीफेरा ठीक है। एक इनमें जनरली रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पूछते हैं कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं अपने आप को ठीक है।
तो जो आपके पोरिफेरा होते हैं, रॉक्स और मैरीन वगैरह में मिलते हैं, ठीक है, कहाँ मिलते हैं, मैरीन वगैरह में उनको ऊपर उगते हैं, तो ये जनरली आपका जो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, ये करते हैं एसेक्सुअली, ठीक है, एसेक्सुअली में जनरली आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, तो ये फ्रेगमेंटेशन से मतलब जो आपका एक मेंबर होता है वो मैच्योरिटी स्टेज पे पहुँच कर आपका डिवाइड हो जाता है और उससे आपका दूसरे का जन्म हो जाता है, मतलब एसेक्सुअली मतलब एक से ही दो बनते हैं, ठीक है, एक से ही दो बनते हैं उसको बोलते हैं सेक्सुअली, तो एक से ही आपका पार्ट में डिवाइड होने के बाद बनता है, तो पोरिफेरा में जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वह सेक्सुअली होता है, ठीक है, और बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, ये एक चीज पता होनी चाहिए। मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें जो सेल्स होती हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं जो आपके पोरिफेरा होते हैं वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, तो आप कहेंगे जी मल्टी सेलुलर है, एक आपका इनका एक्सक्रेटरी ऑर्गन पता होना चाहिए, तो सबका ही पता होना चाहिए आपको किसमें क्या क्या होता है, एक्सक्रेटरी जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है जिसे आप उत्सर्जन बोलते हो, ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें भी आपका जो पोरिफेरा होता है उसमें बॉडी सरफेस होता है, ठीक है, तो तीन चार चीज़ें हैं आप पोरिफेरा के बारे में याद कर लीजिए, ठीक है भाई। अगला आपका आता है नंबर तीन के ऊपर, तो इतनी रहेगी पोरिफेरा के बारे में, नंबर तीन के ऊपर आप डिस्कस करेंगे सिंडेरा, ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, भाई देखो इसमें ज़्यादा डिटेल अध्ययन करने की जरूरत नहीं, जो एग्जाम में आती है वही आप देख लीजिएगा, यही चीज़ें आती हैं, तो इसमें आपको जो सिंडेरा उसका एग्जाम्पल देख लिया, हाइड्रा है, ठीक है, और जेलीफिश, ये नाम कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जेलीफिश और हाइड्रा किस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको बता जी सिंडेरा कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और इनके बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए, जनरली आपके फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, ये पता होना चाहिए, फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, हाइड्रा होगा एग्जाम में कई बार अब पूछ लिया था क्वेश्चन है कि भाई हाइड्रा है वो किस कैटेगरी में आता है, सिंडेरा, ठीक है भाई, तो प्लीज इसको आप याद रख लीजिएगा। नंबर फोर पे आपका आता है सिंटोप्रा, सिंटोप्रा, तो इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो देख लीजिए, एक तो इसकी जो बॉडी होती है सिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिकल इन द सेंस होता है दोनों तरफ सेम होती है, एक एक्सिस के अबाउट आप देखोगे तो वो सिमेट्रिक होती है इधर भी और इधर भी, तो एक तो ये कंडीशन इसकी सिमेट्रिकल होती है, इनके पास स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं एग्जाम में इनमें से किस एनिमल के पास स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो आप कहेंगे जी सिंटोप्रा के पास स्पेशल सेंस ऑर्गन्स, ठीक है भाई, और ये जनरली आपके माउथ के अपोजिट साइड में होते हैं, तो ये याद रखिए स्पेशल सेंस ऑर्गन और सिमेट्रिकल होते हैं, और ये जो प्रोड्यूस होते हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है भाई, इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है सेक्सुअली, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, किसमें सेक्सुअली होता है किसमें असेक्सुअली, ये भी आपका असेक्सुअली किसमें होता है आपका पोरिफेरा में, सेक्सुअली आपका सिंटोप्रा में। नंबर पाँच आइए, नंबर पाँच आपका रहेगा प्लेटी हेलमिनथ, प्लेटी हेल, प्लेटी हेलमिनथ में क्या होता है आपका, ये देखिए इसमें रिलेटेड दो तीन चीज, जो फ्लैटवर्म होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, सबसे पहले तो पता होना चाहिए जो फ्लैटवर्म्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, प्लेटी हेलमिनथ में, अब एक दो चीज़ें देखिए इसके बारे में क्या क्या एग्जाम में आते हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है जिनमें रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली भी हो जाता है और असेक्सुअली दोनों तरीके से होते हैं, तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस आपका असेक्सुअली भी कर लेते हैं और सेक्सुअली भी, ठीक है भाई, ये सेक्सुअली एंड सेक्सुअली, इसका मतलब ये क्या होते हैं आपके, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ये भी पता होना चाहिए बाइसेक्सुअल है, ठीक है भाई, रिप्रोड्यूस असेक्सुअली और सेक्सुअली बहुत तरीके से कर सकते हैं, इसलिए इनको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एग्जाम्पल है फेसिकोला, जो एग्जाम में पूछते हैं कई बार, तो फेसिकोला है वो आपका किस कैटेगरी में आता है, तो आप कहेंगे जी फ्लैटवर्म्स कैटेगरी में आता है, और फ्लैटवर्म आपका क्या है प्लेटी हेलमिनथ है, ठीक, इसके बारे में चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको देख लीजिएगा आप। नंबर सिक्स आता है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये निमा हेल मिन्थस, ठीक है, ये निमा हेल मिन्थस है, ठीक है, जैसे उसमें आपका फ्लैटवर्म्स आते थे इसमें आपका आते हैं राउंड वर्म्स, राउंड वर्म्स क्या होते हैं, इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है सर्कुलर बॉडी, तो ये राउंड वर्म्स एग्जाम में पूछे राउंड वर्म्स किस कैटेगरी में आता है, आप कहेंगे जी निमा हेलमिनथ में, कौन सी में आते हैं निमा हेलमिनथ में आते हैं, ठीक है, तो क्यों इनको राउंड वर्म्स बोलते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी क्रॉस सेक्शन होता है बॉडी क्रॉस सेक्शन वो आपका सर्कुलर होता है, इसलिए इनको राउंड वर्म्स बोलते हैं, ठीक है भाई, एग्जाम्पल इनका पता होना चाहिए, एग्जाम में एग्जाम्पल आते हैं इनकी कई बार, वो उसी से पूछ लेते हैं, बॉडी क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है, ठीक है, एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल से डायरेक्ट नाम आते हैं एक किस कैटेगरी में आता है, तो इसका नाम एस्केरिस है एक, वो आपका इस कैटेगरी में आता है, एक आपका है बुचीरिया, बुचीरिया बैंकोक्राफ्टी या खाली बिचूरिया, डायरेक्ट पूछ लेते हैं एस्केरिस और बुचीरिया
वो चिड़िया है किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप कहेंगे राउंड वर्म कैटेगरी में आते हैं। राउंड वर्म कौन सी कैटेगरी में आता है, निमाहल मिनथ में। तो ये देख लीजिए, इसके बारे में दो तीन चीजें यही है कि बॉडी का सर क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, ठीक है, और आपका एग्जाम्पल क्या कहे देख लिया। अब आगे डिस्कस करते हैं नंबर सात देखिए भाई, ये आपका रहेगा आपका एनिलिडा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट किंगडम है भाई एनिलिडा। इसके एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम एग्जाम्पल्स के नाम से ज्यादा डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो जो इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से एनिलिडा में, ये आपके रहते लीक, एक लीक है इसमें, ठीक है। एक आपके जो अर्थवर्म्स होते हैं, ठीक है, तीन होते हैं अर्थवर्म, फ्लैटवर्म्स और राउंड वर्म्स। तो अर्थवर्म्स आपका इसमें आते हैं एनिलिडा में, ठीक है। एक तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है, दूसरी इसमें जो एक्सिक्रेटरी ऑर्गन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है एग्जाम्पल। एक्सिक्रेटरी ऑर्गन जो उत्सर्जन अंग बोलते हैं जिसे, ये आपका है नेफ्रिडिया, नाम क्या है इसका, नेफ्रिडिया, ठीक है, नेफ्रिडिया इसका नाम है। तो ये दो चीजें इसमें जनरली पूछी जाती है, इसका एग्जाम्पल क्या है और इसमें एक्सिक्रेटरी ऑर्गन क्या है। नंबर आठ पे आइए, नंबर आठ हम डिस्कस करेंगे मोलुस्का, क्या करेंगे मोलुस्का। मोलुस्का नाम से ही आपको लग रहा है, मोलुस्का जनरली आपके जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, सॉफ्ट बॉडी जिसे आप बोलते हो, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, तो उसमें आपका मोलुस्का आता है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ये मोलुस्का है, ठीक है भाई। दूसरी इसके बारे में एक चीज़ आपको, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्टोपस का नाम सुना होगा आपने, ऑक्टोपस, तो ये ऑक्टोपस है, ये आपका क्या है, एक मोलुस्का है, एक सॉफ्ट बॉडी एनिमल है, ठीक है। ऑक्टोपस है, स्नेल है जिसे आप घेंगा बोलते हैं, वो भी आपका इसी कैटेगरी में। एक इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज वो है कि इसमें जो सीक्रेशन होता है, जिसे एक्सिक्रेटरी ऑर्गन बोलते हो या जिसे आप सीक्रेशन भी बोल देते हो, सीक्रेशन किसके थ्रू होता है, इसमें जो सीक्रेशन होता है वो आपका यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा यूरिनरी ब्लैडर। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है मोलुस्का के बारे में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपका है अर्थ्रोपोडा, ठीक है, ARTHO अर्थ्रोपोडा, ठीक है भाई। इसके बारे में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, सबसे बड़े हैं, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम, ये क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम में आते हैं, पहली बात ये इसके बारे में। दूसरी बात, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही सेक्स होता है इनमें, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है भाई, यूनिसेक्सुअल होते हैं। एग्जाम्पल बताइए जरा इनका, ये भी पता होना चाहिए, जो आपका मादा एनाफनीज होता है, जो मॉस्किटो होता है, वो किस कैटेगरी में आता है, वो आपका आर्थ्रोपोड्स की कैटेगरी में आता है एनाफनीज। ये मॉस्किटो, झींगा मछली का नाम आपने सुना होगा, प्रॉन, जिसे आप इंग्लिश में प्रॉन झींगा मछली बोलते हो, वो आपका आर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है भाई। एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, इसमें जो सीक्रेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सीक्रेशन इन आर द पॉड्स, सीक्रेशन किससे होता है, ये आपका होता है मालफिंगम नाम, ये जीव माल फिगम टूबल्स नाम है, माल फिगम टूबल्स, क्या नाम है, माल फिगम टूबल्स। तो भाई आपका इसके थ्रू होता है, तो भाई जो आपके एनिमल्स में है लगभग यही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और भाई इसको हमने जो आपको समझाया है, बड़े शॉर्टेस्ट वे में समझाया है, इससे ज्यादा आसान तरीके इसका कुछ हो नहीं सकता। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वही लिखवाई है, चाहे उसके आप में कुछ भी हो, आपके एनिमल किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो, उससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं करवाया। तो इट्स ऑल अप टू यू, थैंक यू।